हिंदुस्तान की सियासत में एक से बढ़कर एक राजनेता का उदय हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वैग अलग है। साल 2014 के बाद देश की राजनीति में जब से पीएम मोदी ने कदम रखा, राजनीति की परिभाषा ही बदल कर रख दी। डिजिटल होते दुनिया के महत्व को समझते हुए पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और जब इसका 100वां एपिसोड पूरा हुआ तो इसकी गूंज दुनिया के कई मुल्कों में सुनाई दी। न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त नीता भूषण पीएम मोदी की सबसे बड़ी प्रशंसक बनी। मन की बात कार्यक्रम की सराहना करते हुए वो कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में है और हर कोई उन्हें सुनना पसंद करता है। मन की बात कार्यक्रम एक ऐसा मंच है जिसका उपयोग प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर भारत और विदेशों में रह रहे भारतीयों के साथ जुड़ने के लिए करते हैं। साल 2014 से पीएम मोदी इस कार्यक्रम के जरिए नागरिकों से जुड़ने और उनकी चिंताओं पर चर्चा करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा करते हैं। मन की बात कार्यक्रम को भारत के साथ साथ विदेशों में भी बड़े चाव के साथ सुना जाता है। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। 100 एपिसोड के ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाने के लिए NID फाउंडेशन ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में मन की बात के विशेष प्रसारण का आयोजन किया था। इस ऐतिहासिक अवसर पर न्यूजीलैंड में भारत की उच्चायुक्त नीता भूषण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। न्यूजीलैंड में भारत के मानद वाणिज्य दूत भव ढिल्लो, NID फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक सतनाम सिंह संधू, सह संस्थापक हिमानी सूद मौजूद रहीं। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायियों, उद्यमियों, विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों और प्रवासी भारतीयों सहित 1000 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त नीता भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बड़े प्रशंसक हैं। मन की बात इज अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड आफ्टर ही अज्यूम्ड ऑफिस इन 2014, एंड सिंस देन इट हैज गेन्ड सो मच पॉपुलैरिटी दैट एवरी मंथ मेनी ऑफ अस जस्ट वेट फॉर द संडे व्हेन दिस विल बी टेलीकास्ट, एंड देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दिस। द एपिसोड्स आर फुल ऑफ anecdotes, stories, inspirational stories, lot of things are there. One episode, complete tribute to the culture of India, the civilization, the ancient civilization, and how India collaborates with the rest of the world. NID फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक सतनाम सिंह संधू की इस पहल के जरिए ही ये मन की बात का सफल विशेष प्रसारण 7 समुंदर पार सैकड़ों भारतीयों के बीच हो पाया। तो वहीं इस अवसर पर NID फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक सतनाम सिंह संधू ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि ये कार्यक्रम सिर्फ मन की बात नहीं है बल्कि जन की बात के बारे में बात करता है और इसकी पहुँच भारत के हर कोने तक है, तो इसे कण कण की बात कहा जा सकता है। इसका प्रसारण आज दुनिया भर में हो रहा है, जो देश के लिए गर्व की बात है। मन की बात ही नहीं, ये भारत के कण कण की बात है, भारत के जन जन की बात है, ये जो मोदी जी के मन की बात है। आज पूरी दुनिया में लगभग 150 के करीब देशों में इस प्रोग्राम को सुना जा रहा है, और UN में खास करके स्पेशली बिल गेट्स और बहुत सारे दुनिया के जो डिग्निटीज इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल कि इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा गर्व भारत के लिए मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। 140 करोड़ लोगों को एक सूत्रधार में लेके आना, उनमें जज्बा पैदा करना, उनमें हौसला, कॉन्फिडेंस पैदा करना, ये आसान काम नहीं था, सिर्फ मोदी जी ही कर सकते थे। कि मन की बात के माध्यम से मोदी जी ने देश को, देशवासियों को बड़े सपने देखना सिखा दिया है। मन की बात का हर एपिसोड
भारत और भारतीयों के लिए समर्पित है, जो चाहे भारत में रह रहे हों या दुनिया के किसी कोने में। प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से ही लक्ष्य रहा है कि वो प्रवासी भारतीयों को उनके राष्ट्र से जोड़ते रहें। वैसे भी हर भारतीय चाहे आज किसी भी देश में रहे, अपने देश को कभी नहीं भूलता है। NID फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक सतनाम सिंह संधु के एक सफल प्रयास के कारण आज विदेशी धरती पर भी प्रवासी भारतीयों ने अपने देश के मुखिया के विचार एक साथ बैठकर सुन पाए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मौजूद भारतीय मूल के लोगों को देखकर इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये लोग अपने देश से अभी भी जुड़े हुए हैं।